मौजूद है स्कॉन टेंपल, नोएडा के स्कॉन टेंपल में। आज दरअसल आज जन्माष्टमी है, यानी कि कन्हैया का जन्मदिन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा, और आज हम मौजूद हैं स्कॉन टेंपल में आए हैं, नोएडा के स्कॉन टेंपल में आज हम मौजूद हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज जन्माष्टमी का महोत्सव है, आज कान्हा के रंग में पूरे जो विश्व कह लें, भारत कह लें, या फिर यहीं की बात कर लें अगर नोएडा की, तो नोएडा भी पूरे कान्हा के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन चूंकि कोरोना काल है, इसीलिए इस्कॉन मंदिर के अंदर यहाँ पर ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं है जाने की। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लोग इकट्ठा है जिनको अंदर अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। और चूंकि अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इसीलिए ये बाहर ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और बाहर ही ये प्रसाद ले रहे हैं। और यहाँ पर तमाम युवा भी मौजूद हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, और तमाम ये जो आप सजावट भी देख सकते हैं, बाहर से अगर मैं दिखाऊं कि इस्कॉन मंदिर की जो सजावट है वो नॉर्मल है जैसे कि आए दिन रहती है, लेकिन विशेष कर पर आज जो कि जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो ये भीड़ लोगों के यहाँ पर देखी जा सकती है। अब हम कुछ लोगों के पास यहाँ पर चलते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे कि आखिरकार उनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, और अगर नहीं जाने दिया जा रहा है तो अब आगे वो अपने जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे मनाएंगे। चलिए हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ममता है। ममता जी, ये बताइए कि अंदर आप नहीं जाना चाह रही हैं, अंदर क्यों नहीं जा रही हैं? अंदर अलाउ नहीं है जाने का, तो अलाउड नहीं है इसीलिए। और ये जो व्यवस्था है यहाँ पर प्रसाद की, जो व्यवस्था है ये किस लिए है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहीं से अपना प्रसाद ग्रहण करके जाएं यहीं से? हाँ जी। और चूंकि आज अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो अब आप कैसे आगे का ये पूरा त्यौहार है, आज का दिन कैसे बिताने वाली हैं आप? क्या आपका फास्ट है आज? हाँ, फास्ट है। आप कैसे मनाएंगे अब आगे जो जन्माष्टमी है, उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बस ऐसे ही इंजॉय करेंगे, इंजॉय करके ही सेलिब्रेट करेंगे। बाहर की मंदिर में तो जाने दे नहीं रहे हैं। हाँ बस। तो आपको ये मालूम था कि यहाँ पर पहले से मंदिर में जाना अभी अलाउड नहीं है? यहाँ के पहले पता नहीं था। हाँ, अचानक से यहाँ पर आए और देखा तो बंद था। अच्छा। जब आप यहाँ पर आई हैं तो इनको ये बंद मिला, यानी कि आपको ये पहले से मालूम नहीं था कि यहाँ पर अलाउड नहीं होगा जाना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसाद आपने ग्रहण किया? हाँ जी, प्रसाद ले लिया। साथ में कौन कौन लोग आए आपके? हम हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी, चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार वो अंदर जाएंगे और अगर नहीं जाने की अनुमति तो वो आगे अपना दिन कैसे व्यतीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कंवरपाल मलिक है और मैं भंगेल फेस्टू से आया हूँ, और हमें आज इसका पता नहीं था कि यहाँ पर जो है इस तरह से क्लोजिंग होगी। अगर ये गाइडलाइन हमें पता होता तो हम वहाँ से घर से नहीं निकल पाते। लेकिन सर, ये तो मालूम है ना, ये तो सरकार ने भी सुनिश्चित किया हुआ है कि भीड़ भाड़ नहीं लगानी है चूँकि कोरोना काल चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे जो केस है दर बदर जो है ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और हमें जो है बहुत ही प्रिकॉशन के साथ चलना होगा। और यहाँ तक है कि जो ये लहर होगी ये बहुत ही क्रिटिकल होगी, और जो डेल्टा वेरिएंट है वो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। बिल्कुल, कोरोना घातक है, और ऐसे में जन्माष्टमी का महोत्सव कितना चुनौतियों भरा रहता है, किस तरीके से अपने आप को रोकना पड़ता है जश्न मनाने से? जश्न मनाने के लिए देखो, हमें अपने आप को कंट्रोल तो करना रहेगा। अगर हम सेफ रहेंगे तो कृष्ण जी की कृपा हम पे भी बनी रहेगी, हमारा परिवार सेफ रहेगा, हमारे नेबर सेफ रहेगा, पूरा हमारा इंडिया सेफ रहेगा। तो इसलिए हमें अपना पहले से ही जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करनी पड़ेगी। अब आप अंदर नहीं जाएंगे, तो अब आप बाहर कैसे, अब आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? सेलिब्रेट ये है कि बाहर से ही अपना जो है भगवान का अभिनंदन और नमन करेंगे, और इसके बाद ही यहाँ से हम निकल पाएंगे। जो भी हमारा सभी लोग हैं यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, सब ने अपनी एक दूरी, हम भी चाहते हैं कि एक दूरी बना के सभी रखें और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, और भगवान का स्मरण जो है आप घर पर भी कर सकते हैं। इस लहर को हम जो है किसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर देश सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, तो आने वाली कई जन्माष्टमियाँ जो हैं वो जश्न से भरी होंगी और शानदार रहेंगी। बिल्कुल।
मैं चाहता हूँ, मैं तो सभी को ये संदेश देता देना चाहता हूँ कि आप भी सेफ रहें और ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में मत जाए, और जो अपने खासकर अपनी फैमिली को कंट्रोल करके ही निकले घर से बाहर। बिल्कुल, चलिए ये तो रही इनकी बात, क्योंकि इन्होंने बताया कि किस तरीके से, चलिए देश सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे तो आने वाले कई त्यौहार जो हैं वो धूमधाम से मनाए जा सकते हैं, जो आने वाले त्यौहार हैं वो कई जश्न से भरे मनाए जा सकते हैं। हमारे बीच में और युवा भी मौजूद है, अब इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो कैसे मनाएंगे। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज। सूरज जी, क्या अंदर जाने नहीं दिया जा रहा? जी जी, कोविड की वजह से अंदर जाने नहीं जा रहा, पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो श्री कृष्ण जी पे अटूट विश्वास है और हम इस विश्वास को बनाए रखेंगे। इस साल नहीं जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब दर्शन कर लेंगे। हम दिल से मानते हैं श्री कृष्ण जी को। आपका नाम क्या है सर? अंकुश। अंकुश, आपको पहले से मालूम था कि यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं वो ऐसी ही है कि सारे लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए मनाही होगी, क्या पहले से आप लोगों को मालूम था? नहीं, पहले से तो ऐसा कुछ मालूम नहीं था, यहीं पर आके मालूम चला। यहाँ पे यहाँ के जो मंदिर प्रशासन जो उसने व्यवस्था भी अच्छी कर रखी है, सब आप दूरियां बना रहे हैं और सारा चीज़ अच्छी तरीके से हो रहा है, सारी तैयारी मंदिर प्रशासन की बहुत अच्छी है। अच्छा, अब चूंकि अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा है, तो अब आने वाले समय में आप कैसे अब पूरे दिन को सेलिब्रेट करेंगे, किस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार जो है, क्योंकि अब दिन ढलने वाला है तो ऐसी उत्सुकता बढ़ती जाएगी, तो अब क्या प्लानिंग है पूरी? अभी हम यहाँ से आरती करके प्रसाद लेके चले जाए घर जाएंगे, फिर घर जाके पूरे परिवार के साथ इसको सेलिब्रेट करेंगे। और आपकी क्या पूरी प्लानिंग है? ऐसे ही है, जैसे इन्होंने बोल दिया कि आप भी पूरे परिवार के साथ जाकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब कोरोना है तो ऐसे में क्या लगता है कि किस तरीके से अब जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए और बस जैसे जन्माष्टमी पहले मनाई जाती थी वैसे दोबारा मनाए? श्री कृष्ण जी पे हमें भरोसा है और हमें लगता है कि श्री कृष्ण जी सारे भक्तों के सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और इस बीमारी को भी, कोरोना की बीमारी को भी धीरे धीरे जड़ से खत्म कर देंगे। तो ये आपकी प्रार्थना है कि किस तरीके से जो भगवान श्री कृष्ण है वो कोरोना महामारी को जल्दी से खत्म करें और एक बार फिर से जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाए। और आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब प्रसाद जो है वो बाहर बट रहा है, तो आप लोगों ने लिया प्रसाद? अभी नहीं लिया, अभी ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करेंगे हम। अच्छा, प्रसाद लेंगे जी? अभी नहीं था कि यहाँ पर एंट्री नहीं होने वाली है? नहीं, हाँ, इस बार थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है, पर कोई दिक्कत नहीं, अगले साल आ जाएंगे, जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो अंदर से प्रसाद भी ग्रहण करेंगे, दर्शन भी करेंगे जी। तो अब जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद ये लोग दोबारा आएंगे, क्योंकि खासा जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच देखिए छोटा सा बच्चा है जो हमारे बीच में मौजूद है और बिल्कुल हम तो ये कहेंगे कि कान्हा विद मास्क बने हुए हैं ये, क्योंकि इन्होंने कान्हा का अवतार जो है वो धारण किया हुआ है, पूरी ड्रेस हो गई, इनका मुकुट आप देखिए, और ये जो चेहरे पर जो स्माइल दिख रही है वो सबसे अद्भुत है। तो बच्चे आपका नाम क्या है? आयुष। अनुज, आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको कान्हा बनकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, घर वालों ने बिल्कुल तैयार किया होगा आपको? हाँ। अच्छा, आप अंदर जाकर आए हैं क्या? नहीं, अंदर नहीं गए। क्यों नहीं गए? अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। जाने नहीं दे रहे हैं? कोविड की वजह से। ये पहले से मालूम था कि ये अंदर नहीं जाने दिया जाएगा? जी मैम। पता था? जी मैम, कोविड प्रोटोकॉल का मैम नियम के तहत मैम पालन किया गया, इसके वजह से एंट्री नहीं है। तो अब आप कन्हैया तो बन गए हैं छोटे वाले, लेकिन आपकी बंसी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? बजानी आती है? अच्छा, कन्हैया भी बने हुए हैं और वो पूरी साज सज्जा है, मुकुट है सिर पर, आप देख सकते हैं कितना शोभायमान ये लग रहा है, और ऊपर से ये छोटी सी जो बंसी है बिल्कुल कान्हा के तरह, जिस तरीके से हम प्रतिमाओं में देखते हैं, तस्वीरों में हम देखते आए हैं, टीवी सीरियल्स में हम देखते आए हैं, किस तरीके से जो कान्हा का पूरा वेशभूषा होती है वो इन्होंने अपने ऊपर धारण की हुई है। आपके साथ कोई और लोग भी आए जो आप ही की तरह कान्हा बने हुए? मैम, अभी तो मैंने किसी को देखा नहीं है, बस एक छोटे से बच्चे को देखा है। अच्छा, आप ही आए हैं? ऐसे तो नहीं हो सकता, बहुत लोग आए होंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट में पढ़ते हैं। सेकंड में जाने वाला हूँ। अच्छा, आप सेकंड में जाने वाले हैं, आपकी स्माइल तो बड़ी प्यारी है। यस, थैंक यू मैम। एक बार जय श्री कृष्णा बोल दो नंद गोपाल, क्या कहते हैं? जय श्री कृष्ण, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
नंद के आनंद हैं, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल। तो देखिए अद्भुत नजारे हैं यहाँ पर, किस तरीके से बच्चे भी जो हैं वो उत्सुकता भरी हुई है। कोरोना है वो अलग बात है, लेकिन जो लोगों में उत्सुकता है वो देखी जा रही है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। उसका पैरामीटर जो है वो वैसा का वैसा ही है जो हर साल होता है। हालांकि कोरोना है तो इस बीच में थोड़ी सी निराशा लोगों के हाथ जरूर लगी है कि किस तरीके से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि उन्हें पहले से मालूम नहीं था कि अंदर उन्हें जाना अलाउड नहीं होगा, अंदर जाने से उन्हें मना ही होगी। इसी बीच हम और लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनमें कितना उत्साह भरा हुआ है। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए आप। सुनीता। सुनीता जी ये बताइए कि अंदर क्यों नहीं जा रही हैं, अलाउड नहीं है क्या? अंदर अलाउड नहीं है, हम तो दिल्ली में भी गए थे वहाँ पे भी नहीं। अच्छा दिल्ली में गए वहाँ अलाउड नहीं हुआ, नोएडा आए यहाँ पे अलाउड नहीं हुआ, तो पहले से जानकारी थी? नहीं नहीं हम एकदम आए थे। जैसे हर साल आते होंगे वैसे ही आप आए हैं, लेकिन इस बार देखा तो अलाउड नहीं है। हाँ अलाउड नहीं है अंदर जाना। और आप किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे आगे पूरा दिन, पूरे जन्माष्टमी? सब अच्छे से करेंगे, बढ़िया से। व्रत है आपका? हाँ जी। अच्छा तो घर जाकर वही तैयारियाँ होंगी, वही व्यंजन बने होंगे? हाँ वो बढ़िया खूब सजा के 12 बजे उसी तरीके से जो है जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हाँ खूब बढ़िया। घर में आप सेलिब्रेट करने वाले? हाँ घर में ही करेंगे, अब यहाँ पे अंदर नहीं जाने जा रहे तो। और अब आप क्या करेंगी क्योंकि बाहर तो नहीं है, तो आप घूमेंगी थोड़ा? और बाहर मैंने देखा कि यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है, तो आपने वो ग्रहण किया प्रसाद? नहीं, नहीं नहीं नहीं, हमने मीठे से रखा है ना, नमकीन नहीं खाया। अच्छा तो इनको भी पता नहीं था कि अलाउड नहीं है यहाँ पर, और प्रसाद यहाँ पर बनाया गया। इन्होंने हालांकि नहीं खाया क्योंकि इनका फास्ट है। और लोगों के बीच हम चलते हैं क्योंकि लोगों का लगातार ये कहना है कि उन्हें उत्सुकता बढ़ी है, कोई निराशा नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें अलाउड नहीं किया जा रहा है अंदर जाने के लिए। लगातार आ रहे हैं लोग, जब पता लग रहा है तो बाहर ही रुके हुए हैं और बाहर जो प्रसाद बना हुआ है उसको ग्रहण कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा भाव विश्वास प्यार सब कुछ कान्हा के लिए है जो समर्पित कर रहे हैं। कुछ लड़कियां हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार इनकी एक्साइटमेंट कितनी है। लड़कियों में थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हर फेस्टिवल को लेकर। नाम बताइए अपना। रितु। जैसे कि हम लड़कियों में ना थोड़ी एक स्पेशल चीज़ ये होती है कि कोई त्यौहार होता है आने वाला होता है तो काफ़ी समय पहले से ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों में भी हुआ? हाँ जी बिल्कुल बहुत हुआ। एक्साइटेड रहे आप? हाँ बहुत ज़्यादा। आप भी? कृष्ण जी के तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, पर जन्माष्टमी एक्साइटमेंट देखिए कि टीका भी हुआ है और मेहंदी एक बार दिखाइए, ये आपने जन्माष्टमी के लिए लगाई है? हाँ जी अभी अभी लगवाई है, स्पेशली अभी लगवाई है। हाँ जी बाहर ये देखिए, श्रद्धा की कोई कमी नहीं है, उत्सुकता की कोई कमी नहीं है। और अब चूंकि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है तो अब आपका आगे का पूरे दिन का प्लान क्या है? अब हम घर जाएंगे, दिल्ली में गए थे वहाँ इस्कॉन में दर्शन ही नहीं मिले, बाहर से अलाउ मतलब नॉट अलाउ कर दिया कि बाहर से एंट्री नहीं है, पास मांग रहे थे वहाँ पर। अब नोएडा में आए, सोचा नोएडा में दर्शन मिल जाएंगे, यहाँ भी दर्शन नहीं मिले, अब यहाँ से भी अब घर जाना पड़ेगा। तो अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, कैसे? अभी घर जाएंगे, घर जाके पूजा होगी, प्रसाद बनेगा, काफ़ी सारे प्रसाद बनता है हमारे यहाँ, और वहाँ पे उनका मंदिर सजाएंगे, झूला बनेगा, राधा रानी को झुलाएंगे, कृष्ण जी को झुलाएंगे, डांस वांस करेंगे। अभी मैं भी अभी डांस कर रही थी, अभी बंद हो गया तो वरना मैं धुन है अलग, मतलब बस अलग ही भक्ति है, अलग ही मन। राधा रानी के नाम पे डांस करना है, नाचना है, अपने आप हाथ पैर चलने लग जाते हैं, बस यही है। जब जब श्रद्धा होती है, विश्वास होता है और आस्था होती है तब हाथ पैर चलने लग जाते हैं खुद ही। आपकी क्या प्लानिंग है? आपसे तो हमने बात ही नहीं की। मेरी भी यही प्लानिंग है, घर जाके प्रसाद मम्मी के पापा के साथ प्रसाद बनवाना है, जाके डांस करना है और मंदिर सजाना है, झूला सजाना है। जैसे कि आप फास्ट है क्या आप लोगों? तीनों का फास्ट है, फास्ट भी है, भूखे पेट है। जन्माष्टमी का व्रत वैसे बहुत कठिन माना जाता है और ऐसे में उत्सुकता देख लीजिए, ये भगवान का आशीर्वाद है, आस्था है, प्रेम है। और ये अब जानना चाहूँगी कि जैसे कोरोना फैल रहा है तो ऐसे में कितनी जल्दी आपको लगता है कि हाँ ठीक कर रहे हैं, कि अंदर कम ही लोग आ रहे हैं, संतुष्ट हैं इस बात से? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, जिन्होंने अपनी पहले बुकिंग करवा रखी है तो उनके लिए भी सही है, जिन्होंने नहीं बुकिंग करवाई है ठीक है कोई बात नहीं, इनको बाहर से हो जाएंगे बट कोई नहीं, अंदर तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बाहर से आएंगे, बाहर भी ज़्यादा भीड़ इसलिए नहीं होगी, आएंगे देखेंगे बंद है चले जाएंगे जल्दी, तो इसलिए भीड़ नहीं होगी, तो ठीक है। तो यानी कि स्माइल्स, इनकी जो मुस्कुराहट है ना,
तीनों लड़कियों की वो देखी जा सकती है कि कितनी खुश हैं ये लड़कियाँ अपने जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर, मेहंदी लगाकर, टीका लगाकर किस तरीके से ये सेलिब्रेट कर रही हैं। मैं मौजूद हूँ इस्कॉन टेंपल में, जहाँ पर कन्हैया के रंग में ये पूरा मंदिर और ये सारे लोग जो हैं वो रंगे हुए। सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें कि ये देखिए ठीक सामने जो है वो राधा कृष्ण की जो मूर्ति है वो लगी हुई है और कितने भव्य तरीके से जो है इसको सजाया गया है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो सजावट है वो इस दौरान की हुई है। लोगों में खासा उत्साह और खुशी देखी जा सकती है। यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो कान्हा के रंग में रंगा हुआ है और इसी बीच यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, तो हम कुछ लोगों के बीच में चलते हैं और सबसे पहले महिलाओं के बीच में चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए आज का दिन कितना खास रहा है, इस्कॉन मंदिर में आकर उनके लिए क्या कुछ नया उन्हें देखने को मिला और ये सब उनकी श्रद्धा के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुछ महिलाओं से। तो सबसे पहले नाम बताइए मैम आप अपना। प्रतिमा ढिंगरा जी। सबसे पहले बताइए कि आप इस्कॉन मंदिर में आई हुई हैं, कितना वक्त हुआ आपको, कब से आई हैं, सुबह से आई हुई हैं? नहीं नहीं, सुबह आए थे मंगल आरती में, उसके बाद चले गए, अब दोबारा आए। आज जन्माष्टमी है, कैसा लग रहा है जन्माष्टमी में? बहुत अच्छा, भगवान का जन्मदिन है, सब अपना जन्मदिन मनाते हैं, जो सबका जन्म देने वाला उसका जन्मदिन तो सबको मनाना चाहिए ना। और क्या कुछ खास तैयारियां आपके लिए की गई है? घर में किसी का फास्ट है, किसी ने व्रत रखा है? आपने किसी फास्ट है? मेरा भी फास्ट है, व्रत रखा हुआ है। अच्छा, ये जो इस्कॉन मंदिर की जो सजावट हो रखी है, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि कितने भव्य तरीके से सजावट हो रखी है और मन जो है वो आते ही यहाँ पर शांत हो जाता है, आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के, ऐसी शांति मिलती है कि सब कुछ भूल जाते हैं हम। घर में सब लोग जन्माष्टमी के लिए काफी उत्सुक होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सब पहुँचे हुए हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी। बहुत, हम तो कई महीनों से, महीना भर पहले से एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, महीना भर से पहले से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी आप महीने भर पहले से ही आप जन्माष्टमी की तैयारियों में लग जाते हैं? बिल्कुल लग जाते हैं। अच्छा, और जैसे कि अब कोरोना है, मास्क सबके मुंह पे है, मैं इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और अब जैसे कि मास्क लगे हुए हैं, कोरोना है, तो ऐसे में कितना अलग देखा जा सकता है जन्माष्टमी का जो पर्व है उसमें और अब जो पहले होता था उसमें, कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? बहुत फर्क है, पहले तो कहना मैं इतना रश था कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता है, लाखों लोग आते हैं, इस वक्त कम है, सिलेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हम लोग कीर्तन करने के लिए आए हैं इसलिए हम अंदर आए हैं, नहीं तो आज अलाउ नहीं है अंदर आना, ऑनलाइन दर्शन सब कर सकते हैं। यानी कि ज्यादा भीड़ इसीलिए नहीं जुटी क्योंकि अलाउड नहीं है? कितने लोग? जैसे अलाउड नहीं है, हम लोगों का कीर्तन है, एक स्लॉट मिला हुआ है हमें, उसके लिए हम आए। तो जैसा कि आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से कान्हा के रंग में लोग रंगे हुए हैं और जो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो वाकई में इतना ज्यादा यादगार और इतना भव्य होता है कि जब भी इस्कॉन मंदिर जैसे इस भव्य स्थान पर आते हैं तो यहाँ पर शांति का अनुभव होता है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं श्याम प्रसाद जी और यहाँ पर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इंतज़ाम उन्होंने यहाँ पर किए हैं और कितने लोगों के यहाँ पर जो भव्य स्वागत लोग कान्हा जी का करने वाले हैं रात 12 बजते ही, तो क्या कुछ तैयारियाँ देखने को और मिलेंगी और किस तरीके से लोगों में उत्साह है? सबसे पहले तो आप ये बताइए शायद कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने बजे से आने शुरू हुए हैं और लोगों में जो एक्साइटमेंट है, जो उत्सुकता है, वो कैसे देखी जा रही है? हरे कृष्णा, तो आप लोगों का स्वागत है इस श्री श्री राधा गोविंद देव टेम्पल में, आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर हमारा भगवान का जो है सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होता है, तो भक्त लोग 4 बजे से, सारे भक्त 4 बजे मंदिर में आ जाते हैं, 4:30 बजे भगवान का पट खुलता है, फिर भगवान का मंगला आरती होता है। यानी कि रोजाना की तरह ही आज की शुरुआत हुई है? भगवान का रोजाना की तरह नहीं, क्योंकि हमारा कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए जो मंदिर के भक्त है सिर्फ वही लोग यहाँ पे हैं, बाकी बाहर के लोगों को हमने आमंत्रित नहीं किया है। बाहर के लोगों के लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा यहाँ पर रखी गई है? हम लोगों ने यहाँ पे बाहर के लोगों के लिए और जो अपने ही डिवोटीज को ऑनलाइन दर्शन, यूट्यूब, फेसबुक ऑफिशियल चैनल हमारा फेसबुक इस्कॉन नोएडा,
श्री श्री राधा गोविंद देव टेम्पल से है, यूट्यूब पे है, जूम पे है, तो सब जगह हमारा ऑनलाइन दर्शन हो रहा है भगवान का, ऑनलाइन ही भगवान का आरती हो रहा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है। तो मंदिर में आने की गवर्नमेंट की जो एक प्रोटोकॉल है कोरोना प्रोटोकॉल, उसके मद्देनज़र हम किसी को यहाँ आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। यानी कि अब जो 12 बजे जो जन्म उत्सव होगा, जब कान्हा का जन्म होगा 12 बजे, तो वो भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं लोग वो भी देख सकेंगे? हाँ, ये भगवान का ऑनलाइन दर्शन सबको मिलेगा, सब लोग करेंगे, पूरा विश्व दर्शन करेगा। रात को 12 बजे शाम को भगवान का अभिषेक होगा, सुंदर अभिषेक, वो भी लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा। भगवान का बहुत सुंदर अभिषेक होता है, हम आप स्नान करते हैं लेकिन भगवान का अभिषेक होता है, भगवान का दही दूध घी। ये मैं जानना चाह रही हूँ अब आपसे कि जैसे कि आप हर दिन यहाँ पर, दरअसल शोर बहुत ज़्यादा है, लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है, उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, तो शोर बात करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बहरहाल, जैसे कि रोजाना इस्कॉन टेंपल खुलता है, तो आज भी और बाकी आम दिनों में क्या खास है और क्या अलग है? हमारा भगवान का सेवा तो निरंतर चलता है, खास करके जन्माष्टमी जो है, आपको जैसा बताया हमने कि हमने 5248वां भगवान का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, और जन्माष्टमी भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो भगवान का जन्मदिन बहुत ही उत्तम ढंग से इस्कॉन मनाता है और पूरी दुनिया इस कान के ऊपर नजर लगाए रखती है, किस प्रकार से हम भगवान के सुंदर श्रृंगार का, जैसा कि आप लोगों ने दर्शन किया होगा, ये दर्शन कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ, लोग यही मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि जैसा भव्य नजारा और ये जो सुंदर सी सौंदर्यकरण वाली जो तस्वीर है, ये सुंदर एकदम, मतलब देखना ही बनती है, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी तस्वीर और कहीं देखने को मिलेगी। हाँ, तो ऐसा सुंदर तस्वीर आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर हैं, ये पूरे ब्रह्मांड जो 6 ऐश्वर्य है उसके सौंदर्य भगवान का प्रमुख है, सबके पास थोड़ी थोड़ी सुंदरता भगवान से उधार ली हुई है और संपूर्ण सुंदर भगवान श्याम सुंदर हैं जी। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ की तैयारियों की बात करूँ, यहाँ पर जो इंतज़ाम किए गए हैं ताकि लोग कम आए, और यहाँ पर जो साज सज्जा और सजावट देखने को मिल रही है, कितने वक्त पहले से आप ये लोग व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, कितना वक्त लगा आपको इसको सजाने के लिए? देखो, हम लोग का नॉर्मल रूटीन होता है, डेली हम भगवान का ऐसे ही श्रृंगार करते हैं, खास करके ये जन्माष्टमी के उत्सव पे ये हम फ्लावर डेकोरेशन एक्स्ट्रा करते हैं, अदरवाइज भगवान का श्रृंगार जब भी आप आएंगे ऐसे ही दर्शन होता है। इस्कॉन मंदिर आप कहीं भी जाएंगे पूरे विश्व में, सब जगह भगवान का ऐसे श्रृंगार होता है। जो यहाँ पर भक्त हैं, जो यहाँ पर डिवोटीज हैं, उनमें एक अलग ही शांति देखने को मिल रही है, उनके मन की जो शांति है वो अलग ही देखने को मिलती है। लोग आराम से आ रहे हैं दर्शन कर और फिर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और फिर चले जाते हैं, तो ये अमूमन जो हर दिन है ये देखने को मिलता है? हाँ, ये हमेशा, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड पर्सन है, क्योंकि इन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, भगवान का दर्शन कैसे करना है, मंदिर में कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे बातें करना है। हम यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं सब लोग ट्रेंड हैं, यहाँ कोई बाहर और जो मंदिर है वहाँ की तरह लोग नहीं है कि अव्यवस्थित तरीके से चले, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में है। बहरहाल, आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो एक्साइटेड हैं, उत्सुकता से भरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना काल चल रहा है, अंदर अनुमति नहीं है जाने की, लेकिन फिर भी हाथों में मेहंदी लगाए और वही माथे पर टीका लगाए, बच्चे भी कृष्ण बनकर, छोटे कृष्ण बनकर यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं, पूरे जन्माष्टमी का लुत्फ उठाया जा रहा है लोगों के द्वारा, और बाहर जो प्रसाद बना है उसे ग्रहण कर मौज में है, बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। बहरहाल, इसी के साथ हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद। आज हम मौजूद है इस्कॉन टेम्पल, नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में। आज जन्माष्टमी है, यानी कि कन्हैया का जन्मदिन,